non più dry farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Hi guys, assalamu alaikum. To aaj main hu Italy mein and mera yahan pe kuch days ka stay hai. Non più fry questi bei panacchini, quel cup. And kal mera shoot hai, main busy rahunga. Parson main yahan se pack kar raha hu, to ye meri aaj ki ek din ki footage thi. बजट मेरे पास कम था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा दिखा नहीं सका एंड इसी जगह को मैं अभी डिस्कवर कर रहा हूँ आपके सामने एंड कुछ फुटेजेस मैंने ली हैं गाड़ी से चलते हुए और कुछ जगहों पे जब मैंने स्टे किया था वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा ये जगह जो मैंने विजिट की हैं इटली के अंदर तो देखिए इस वीडियो को और कुछ भी गाइडेंस मिल सके तो ये वीडियो उन तक लाजमी पहुँचाइए शेयर कीजिए और इसको वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाजमी ठीक है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी जगह दिखाता रहूँगा थैंक यू सो मच Pello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più fry, quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante, non più dry. चलिए तो मेरी जो नेक्स्ट फुटेज है वो इस कैम से होगी ठीक है एंड इस कैम से मैं आपको अपनी नेक्स्ट फुटेज दिखाता हूँ एंड इनसाइट जो वो कुआं है वो दिखाता हूँ आपको कितना डीप है चलिए मेरे साथ Fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, colonne, vie, salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le porre tutti i tuoni, all'orecchio fan... मेरे पास जो ये लेंस है वो 50mm जिसकी वजह से वाइड एंगल बहुत कवर नहीं करता तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको कवरिंग दूँ वाइड एंगल की ठीक है तो ये मेरे पीछे बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है इटली की आप देख रहे हो बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है ये बिल्कुल पुराना आप 300 ईयर अगर पीछे चले जाएँ तो आप उस वक्त देखते थे ये पत्थरों से जो मारते थे आ रही थी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है बैक साइड एंटीक मटेरियल एंड यहाँ पे आइसक्रीम भी है बड़ी पुरानी आइसक्रीम जो आपको हर जगह पे नज़र आती है यहाँ पे भी चल रहा है एंड आइसक्रीम अगर आप खाते हैं यहाँ पर सीरियसली वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल का इस लेंस को मैं भी यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल ओल्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आज से 3000 साल पहले घूम रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात ये है वो मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे वेल मेंटेन किया हुआ है इस जगह को और वही चीज़ दोहराई गई है जो कि 3000 साल पहले लोग यूज़ करते थे स्टोन्स को ओके ये इसका आउटसाइड एरिया है एंड आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे तो आप ये मत देखें कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं तो डजंट मैटर मनी आपको किसी मुकाम तक लेके जा सकती है लेकिन जो है आपका जो बजट है आप किस अंदाज से स्पेंड कर रहे हैं वो मैटर करता है और आप हमेशा जब भी बजट अपना बनाएं तो उसमें ये बनाएं कि आप कम से कम बजट में ज़्यादा ट्रैवल कर सकें क्योंकि मैं अभी अगर अंदर शॉप से कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदने लग जाऊँ तो मेरा बजट अभी ख़त्म हो जाएगा लेकिन मैं इस बजट को बचा के रख लूँ ताकि मेरा ये नेक्स्ट स्टेज में काम आ सके तो सी देखते हैं कि कम बजट में हम कितना घूम सकते हैं एंड आपको मैं कितना गाइड कर सकता हूँ तो नेक्स्ट मेरी जो फुटेज है अभी मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक मुझे बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेस नज़र आ रही है इस पे मैं वॉक करने वाला हूँ वेदर यहाँ का थोड़ा सा ठंडा है जिस वजह से मैंने आज हुड ये पहना हुआ है ठीक है
ये मैंने हुड यहाँ से इटली से बाइक किया है गाइस, ये व्यू जो बैक साइड पे आप मेरे देख रहे हो मुझे बहुत पसंद है। ये नजर आएगा इस कैम से मेरी जो थी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जो फ्रंट से आपको तमाम फुटेजेस मिली थी वो इस कैम से मिली थी। तो इटली का ये मौसम बहुत ज़बरदस्त है, इन्जॉय कीजिए और दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और वीडियो को लाजमी आप आगे शेयर कीजिए। यहाँ पे एक शॉप है परफ्यूम की एंड एक्सपेंसिव परफ्यूम है, इटली की जो कॉस्ट है, जो ब्रांड है उसका भी परफ्यूम इसके अंदर पड़ा हुआ है। एंड मुझे एक शॉवर नज़र आया है यार, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त शॉवर है, अगर आप वो देखें तो सिर्फ इसके अंदर जो मुझे लेयर्स नज़र आ रही है ना पानी की, वो बहुत ही यूनिक है। ये शॉवर है, इसकी एक फुटेज में निकाल रहा हूँ इस कैम से स्लो मोशन में, तो वो फुटेज में आपको दिखाता हूँ कैसी निकलती है, देखिए इस फुटेज को। Al gloria militar, cherubin va la vittoria, al gloria militar, al gloria... मेरे बैक साइड पे यार एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर की एक बिल्डिंग है। बैकग्राउंड जो है टोटली जो आपको अगर नज़र आएगा इसके अंदर बहुत ही यूनिक स्टोन्स हैं और जिससे ये मेक की गई है बिल्डिंग। Non più fai farfallonia amoroso, notte giorno di torno dorato, delle belle tramando al riposo, ma ci sei tu ad un cino d'amor. Delle belle tramando al riposo, ma ci sei tu ad un cino d'amor. Che rovino alla vittoria, अल ग्लोरिया मिलिटा। तो आपने देखा मेरा इटली का ये छोटा सा सफ़र, मेरे पास टाइम कम है और मैंने जाना है अपने शूट पे, मेरे पास टाइम कम था जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर नहीं घुमा सका ज़्यादा प्लेसेस पे। तो इंशाल्लाह लाइफ में दोबारा चांस मिला तो दोबारा यहाँ पे आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा घुमाएंगे। अभी मेरे पास जगह कम थी और बजट मेरे पास कम था जिसकी वजह से मैं आपको घुमा नहीं सका। नेक्स्ट आपको घुमाएँगे इंशाल्लाह, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, सी यू, मिलते हैं नए टॉपिक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।